Wow. Look at that. Pura bridge float karke chala gaya. Amazing. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक ज़बरदस्त व्लॉग के साथ आपका लोकल इतने बदूता आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम मौजूद हैं साइमा लेक डिस्ट्रिक्ट के कैपिटल सिटी सावनलीना में। ये सावनलीना यानी कि सावन कैसल इस सिटी का नाम है। बहुत ही खूबसूरत सिटी है और यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त कैसल है ओलाविनलीना, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। खूबसूरत मरीना है, हार्बर है। हम लोग यहाँ पे जो है वो हेलसिंकी से, ये है नॉर्थ ईस्ट यानी टूवर्ड्स रशियन बॉर्डर। ये हेलसिंकी सॉरी फिनलैंड की जो है वो सेकंड बिगेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर, वो ये पूरा लेक नेटवर्क है। तो मैं आपको जो है वो इस तमाम रीजन को कवर करने की कोशिश करूँगा, दिखाने की कोशिश करूँगा। मुख्तलिफ़ जगहों पर जाएँगे तो साथ रहें, और ये छोटा सा सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स होगा शायद 2-3, तो साथ रहें और एंजॉय करते रहें। आइए मैं आपको सावनलीना की सैर कराता हूँ। और ये जो बोट्स आप देख रहे हैं ये स्टीम बोट्स हैं, यानी ये अभी भी ऑपरेशनल हैं, लेकिन ये पुराने वक्तों के स्टीम इंजन्स, वो जो आप बोट देख रहे हैं वहाँ पे, और ये अभी भी आपको ये पूरे लेक साइमा का टूर देती हैं। वार्काउस। अच्छा फ्रेंड्स, सॉरी, वो जो शिप्स का मैं बता रहा था कि स्टीम बोट्स हैं, दे आर नॉट स्टीम बोट्स, वो तो जी फॉसिल फ्यूल से चलती हैं, डीजल इंजन्स, लेकिन स्टीम बोट्स दूसरी हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये वार्काउस, रावहा और वो जो जा रही है, नन ऑफ देम आर स्टीम बोट्स, स्टीम बोट्स आर डिफरेंट। लेट मी शो यू। अच्छा, स्ट्रेटिजिकली जो ये सिटी है ये बहुत इम्पोर्टेंट थी मिडीवल टाइम्स में भी, उसके बाद भी, क्योंकि आपको पता है कि इस रीजन पे जो है वो स्वीडन का कब्ज़ा था, साथ में रशिया लगता था, तो इनकी आपस में जंगें होती रहती थी। तो यहाँ पे जो ओलाविनलीना है ये बेसिकली उसी को फोर्टिफाई करने के लिए बनाया गया था कि जब रशिया की तरफ से अटैक्स होते थे तो उसको किस तरह रिपेल किया जाए। और काफ़ी दफ़ा इस कैसल ने, जो मैं आपको अभी दिखाऊँगा, उसने हैंड्स चेंज किए, कभी रशियन एम्पायर के पास चला गया, कभी स्वीडन एम्पायर के पास चला गया, लेकिन वो आज भी 1475 में वो बना था, और वो दुनिया के वाहिद मिडीवल कैसल्स में से एक कैसल है जो आज तक अपनी पूरी, जिसे कहते हैं ना, आबोताब के साथ वो अभी भी इंटैक्ट है। तो आए मैं आपको दिखाता हूँ हवाना। Thank you.
ये जी खूबसूरत ओलाविंदिन्ना। तो दोस्तों मैंने पूछा अंदर इसके बारे में कि अंदर क्या क्या चीज़ें जो है उन्होंने यहाँ पे रिस्टोर की हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि जी स्वीडन और रशियन टाइम्स के जो हैं वो आर्टिफैक्ट्स हैं। तो मैंने सोचा कि अंदर जाके दो तीन घंटे ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, मैं आपके लिए कुछ बहुत अच्छे ड्रोन शॉट्स लिए हैं वो दिखाता हूँ। अच्छा ये जो आप पीछे अनाउंसमेंट सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये ब्रिज ओपन हो जाएगा तो आप इसको क्रॉस कर लें। दे विल ओपन द ब्रिज, मेरे ख्याल से कोई बोट आने वाली है। ये देखें अब यहाँ से ब्रिज ओपन होगा। और फिर बोट्स के गुजरने का रास्ता। वाओ लुक एट दैट, पूरा ब्रिज फ्लोट करके चला गया। अमेजिंग, आप देख सकते हैं कि पूरे ब्रिज ने जो है वो 90 डिग्रीज के एंगल पे ओपन हो गया है। और फिर यहाँ से जो है वो बोट्स लेक साइमा में कनेक्ट हो सकती हैं। और ये बोट जो है इसने क्रॉस करना था तो ये ब्रिज ओपन होगा। क्या शानदार ये मरीना है, लुक एट द व्यू ऑफ द अपार्टमेंट्स। असल तो पार्टी इन लोगों की है। और वो जो आप बोट्स खड़ी देख रहे हैं, दोज आर स्टीम इंजन्स, मतलब स्टीम बोट्स जो जिनमें स्टीम इंजन्स लगे हुए होते हैं, और वो फिर आपको पूरे ये लेक साइमा का जो है वो टूर करवाती हैं। तो वो फिनलैंड में सिर्फ एक जगह है जहाँ पे ये स्टीम बोट्स चलती हैं और वो है लेक साइमा। अमेजिंग सिटी है ना फ्रेंड्स, कितनी खूबसूरत ये सिटी है। अच्छा हम जो है वो एक कॉटेज रेंट पे लेके और वहाँ पे ठहरे हुए हैं, तो बहुत ही खूबसूरत कॉटेज है और बिल्कुल लेक के साथ है। और मैंने सोचा कि चले सावनलीना बहुत नज़दीक है तो इस शहर का मैं आपको एक टूर कराऊं, फिर मैं आपको कल लेके जाऊंगा दो बहुत ही यूनिक साइट्स पे। बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि वो वर्क ऑफ नेचर है, कि दो बड़े बड़े पत्थर हैं वो बिल्कुल छोटे से एक फल्क्रम पे बिल्कुल बैलेंस हुए हुए, वो भी दिखाऊंगा। और ये जो आप देख रहे हैं सारी, दीज आर द ओल्ड वाइकिंग बोट्स। वाइकिंग्स के ज़माने में ये जो रोइंग बोट्स थी लंबी लंबी, ये वो हैं। ये शिप म्यूज़ियम के साथ, अगर आपने वाइकिंग मूवीज़ देखी हैं तो वो रोज़ में बैठते थे और वो जंगजू जो थे वो रोइंग करते थे। I guess 15th century, 14th century की।
तो दोस्तों ये था ओलाविन कैसल या ओलाविन लिन्ना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ थोड़ा सा इसका डाउनटाउन दिखाता हूँ, वो भी बड़ा मज़ेदार डाउनटाउन है सावनलीना सिटी का। आए साथ एक्सप्लोर करते हैं। I love Savonlinna, indeed. हर जगह तो मैं वॉक नहीं कर सकता। जी जनाब, लव सावनलीना, बिल्कुल जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट व्लॉग, जहाँ पे मैं आपको वो दो बड़े बड़े पत्थर दिखाऊंगा जो बहुत ही एक छोटे से बेस पे उस फल्क्रम पे वो बैलेंस है। सो वहाँ हम इंशाल्लाह कल जाएंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।